बोकारो दिनभर में आज नावाड़ी पुलिस ने जब्त किया 2 टन अवैध कोयला लदा ट्रक। बताएंगे विस्थापितों ने क्यों किया बोकारो थर्मल प्लांट का गेट जाम। जानेंगे गणतंत्र दिवस को लेकर क्या है प्रशासन की तैयारी, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिनभर में, मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ, हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, कलाकार सरोज मिश्रा ने बढ़ाया बोकारो का मान। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। सूरत के कुसामा में सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को ट्रक ने कुचला, 15 की मौत। किसान आंदोलन का आज 55वां दिन। किसानों के ट्रैक्टर रैली पर अब 20 जनवरी को होगी कोर्ट में सुनवाई। वहीं किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत भी 20 जनवरी को। ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन टेस्ट में हराकर भारतीय टीम ने किया सीरीज पर 2-1 से कब्जा। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 10,064 नए मामले, रिकवरी रेट 96.66%। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 161 नए मामले, 8 की मौत। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 834 अंक और निफ्टी 239 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 40 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम 300 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी आवास में रह रहे अफसरों को अब नहीं मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस। झारखंड में शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 नए मामले सामने आए, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। नावाड़ी के सिमराकुली में पुलिस ने सोमवार को छापामारी कर 2 टन अवैध कोयला लदा ट्रक जब्त किया। वहीं एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। खबरों के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोयला का अवैध उत्खनन कर ट्रक में लोड कर बाहर भेजा जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। रोजगार की मांग को लेकर विस्थापितों ने बोकारो थर्मल प्लांट गेट को सोमवार को जाम किया। प्रबंधन के द्वारा वार्ता की पेशकश के बाद विस्थापितों ने करीब 5 घंटे बाद गेट जाम घेराव आंदोलन समाप्त किया। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को समरणालय सभागार में बोकारो DDC जय किशोर प्रसाद की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह बोकारो जिला में हर वर्ष की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए मनाया जाएगा, जिसमें परेड और अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल एक्टिव सिटी कार्यक्रम का 1 वर्ष पूरा होने पर DC राजेश सिंह और SP चंदन कुमार झा ने आज समरणालय सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। स्टील सिटी को ग्लोबल एक्टिव सिटी के रूप में नेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा चयनित किया गया है और उससे भी ज्यादा ये हम सभी लोगों के लिए खुशी और उल्लास के साथ जानने का अवसर है कि बोकारो स्टील सिटी मात्र एक ऐसा शहर है जिसे पूरे भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के माध्यम से चयनित किया गया। ग्लोबल एक्टिव सिटी एक वैश्विक खेलकूद प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने का संस्करण है, एक ये रूपरेखा है जिसमें कई देशों के बीच उभरते हुए शहरों में खेलकूद से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसको नई ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करना है। इस संबंध में इससे संबंधित जो भी व्यक्ति एवं व्यक्तित्व रहे हैं उनसे लगातार हमारा संवाद चलता रहा है और विशेष रूप से मैं मिस्टर जयदीप सरकार को बधाई दूंगा कि उनके अथक प्रयास और प्रशासन और बोकारो स्टील के बीच जो सेतु का कार्य किया है, हम सभी लोगों को जागरूक करने का जो कार्य किया है वो सराहनीय है। जैसा कि इस प्रेस ब्रीफिंग में उपायुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट को ग्लोबल एक्टिव सिटी के तौर पर जो इसका चयन हुआ है, जिला प्रशासन का और साथ में पुलिस प्रशासन भी इसमें पूरी तरह साथ है। हम लोग इसको एक स्पोर्ट्स हब की तरह प्रयास करेंगे कि ये जिला डेवलप हो। काफी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो प्राइवेट फैसिलिटीज हो, गवर्नमेंट फैसिलिटीज हो, चाहेंगे उस फैसिलिटीज को और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए और जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं स्पेशली, मुझे लगता है उनका फिटनेस लेवल देख के बच्चे काफी एक्टिव है और वो अगर उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले तो स्पोर्ट्स में किसी भी खेल में वो अच्छा करेंगे।
गहरे और चटकीले रंग जनमानस के मस्तिष्क के तह तक असर करता है। यह उष्ण रंग मनुष्य ही नहीं कीट पतंगों को भी आकर्षित करता है। चटक रंग के फूलों पर वह सिर्फ बैठने नहीं आता, उसके अंदर परागकण को अपने पंखों में लपेटकर उनके नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कुछ पंक्तियां हैं जो बुकारो के कलाकार सरोज मिश्रा के लिए लिखी गई है। कला और साहित्य को समर्पित किताब पटना कलम के बाद बिहार की कला में 40 कलाकारों को शामिल किया गया है, जिसमें एक कलाकार बुकारो के सरोज मिश्रा हैं। इस किताब में आज़ादी के बाद बिहार की कला और कलाकारों को लेकर चित्रण किया गया है, जिसमें सरोज मिश्रा की लेख चटक रंगों की व्यथा को शामिल किया गया। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बुकारो में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए। ESL ने T10 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कर दी है। टूर्नामेंट का शुभारंभ राष्ट्रगान गाकर और गुब्बारे उड़ाकर किया गया। कर्मचारियों ने कुल 21 टीम बनाए हैं, जिसमें से 16 टीम पुरुषों की और 4 टीम महिलाओं की है। एक टीम ESL के वरिष्ठ प्रबंधन का भी है, जिनके बीच मुकाबला टूर्नामेंट के अंतिम दिन होगा। उसी दिन पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। Really very nice to see all of you gathering here. And such a large participation, many of the organization is a very, very welcome step. Almost the entire ground was covered. And while you were not taking the mark pass, very, very nice. I must compliment the organizers, the participants, everybody who has made this grand event a success. सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए BSL 18 जनवरी से 17 फरवरी यानी पूरे एक महीने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तौर पर मना रही है। नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत 18 जनवरी को इस्पात भवन परिसर में निर्देशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश द्वारा झंडोत्तोलन और इस्पात कर्मियों की सुरक्षा शपथ दिलाकर की गई। इस पूरे महीने BSL के द्वारा अलग अलग एक्टिविटी और प्रतियोगिताओं का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया RCT बोकारो की ओर से नावाडी में 10 दिवसीय डायरी फार्म प्रशिक्षण शुरुआत की गई। अनुतोष कुमार ने बताया कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए RCT की तरफ से लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह प्रशिक्षण आगे भी चलाया जाएगा। झारखंड के 24 जिलों में से एक है बोकारो, जो कि 9 ब्लॉक्स को जोड़कर बना है। उन्हीं 9 ब्लॉक्स में से एक है चास। चास बोकारो का एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक स्थल तो है ही, लेकिन यह और भी कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। चास की इन छोटी छोटी बातों को जानने के लिए हमें चास के चौक चौराहों के बारे में जानना जरूरी है। चास के प्रसिद्ध चौक चौराहों में से एक चौराहा का नाम हमेशा आता है, वह है महावीर चौक। आप में से कईयों का इस जगह से एक गहरा रिश्ता होगा, आप कई बार यहाँ से गुजरे भी होंगे, लेकिन अभी भी महावीर चौक की ऐसी कई बातें हैं जिससे कई लोग अनजान हैं। तो अगर आप चास के इस प्रसिद्ध चौक के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो द टाइम्स मीडिया के शो महावीर चौक चास बोकारो हिस्ट्री प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। महावीर चौक की खासियत को हम जानेंगे। ये 3 रास्तों से जुड़ा हुआ चौक है। महावीर चौक नाम पड़ने के पीछे कारण क्या है? यहाँ पर किस तरह का बिजनेस होता है? कौन सी मंदिर है यहाँ पे? बात करेंगे यहाँ की सबसे खास चीज, यहाँ की समस्याओं से भी। महावीर चौक अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कि यहाँ से नजदीकी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जाने के लिए उसका किराया कितना, आइए देखते हैं महावीर चौक। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। पिछले 2 दिनों से पुरवैया हवा चल रही है, इस कारण ठंड में थोड़ी कमी दिखी है। आज भी सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई, लोगों को दिन में कड़ी धूप का सामना करना पड़ा, तो वहीं दिन ढलते ही ठंड में कनकनी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के अंदर हवा का रुख बदल सकता है, इसके बाद न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।